बोनी कपूर को श्रीदेवी से बंधवानी पड़ी थी राखी, उन्हीं के लिए पत्नी को छोड़ा, लिए साथ फेरे। मिस्टर इंडिया, नो एंट्री, जुदाई और वांटेड जैसी सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले बोनी कपूर 11 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। अनिल कपूर संजय कपूर के बड़े भाई और श्रीदेवी के पति बोनी ने अपनी पहली फिल्म 1980 में बनाई थी। इस फिल्म का नाम हम पांच था। बोनी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। अब बोनी के बेटे अर्जुन कपूर फिल्मों में नाम कमा रहे हैं, वहीं उनकी बेटी जाह्नवी कपूर भी बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। बोनी कपूर की पहली शादी मोना शौरी कपूर से हुई थी। मोना और बोनी के दो बच्चे अर्जुन कपूर और अशुल्ला कपूर हैं। मोना से तलाक के बाद बोनी ने श्रीदेवी से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं, इसलिए बोनी ने जल्दबाजी में उनसे साल 1996 में शादी कर ली थी। अब बोनी और श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी में आता है, लेकिन शायद ही लोग जानते हों कि इन दोनों के एक होने की राह में कितने रोड़े आए। बोनी और श्रीदेवी की लाइफ का हर किस्सा काफी दिलचस्प है। बोनी के जन्मदिन पर दोनों की लव स्टोरी से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। बोनी कपूर ने ही पहले श्रीदेवी को प्रपोज किया था, क्योंकि वो श्रीदेवी के प्यार में पागल थे, जबकि श्रीदेवी उन्हें भाव ही नहीं देती थी। लेकिन बोनी ने हिम्मत नहीं हारी। श्रीदेवी के करीब रहने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। ये बात तब की है जब बोनी कपूर अपने छोटे भाई अनिल कपूर को लेकर फिल्म मिस्टर इंडिया बना रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट करेंगे, लेकिन उन्हें उन तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा था। इसके लिए बोनी ने श्रीदेवी की मां को कांटेक्ट किया, लेकिन श्रीदेवी की मां ने फिल्म के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी। बोनी कपूर को देखिए, वो श्रीदेवी के प्यार में इस कदर पागल थे कि श्रीदेवी की मां ने उनसे जितनी फीस मांगी थी वो उससे भी ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हो गए। ये सब उन्होंने इसलिए किया जिससे वो श्रीदेवी को इम्प्रेस कर सकें। लेकिन बोनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। हालात कुछ ऐसे बने कि बोनी ने मोना कपूर से शादी कर ली। वहीं श्रीदेवी अपने काम में बिजी होगी। शादी के बाद भी बोनी मन ही मन श्रीदेवी को चाहते रहे। शादी के बाद भी वो श्रीदेवी के करीब आने का बहाना ढूंढते रहते। एक समय ऐसा आया जब श्रीदेवी की माँ बीमार हो गई और उनका लंबा इलाज चला। उस मुश्किल दौर में बोनी ने श्रीदेवी का खूब साथ दिया, हर तरह से उनका सहयोग किया। यहाँ तक कि उनकी माँ का जितना भी कर्ज था वो भी बोनी कपूर ने चुकाया। इससे श्रीदेवी बेहद प्रभावित हुई। इसी दौरान श्रीदेवी और मिथुन के भी अफेयर के किस्से थे। मिथुन को शक था कि श्रीदेवी उन्हें धोखा दे रही हैं। मिथुन को भरोसा दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी को राखी बांध दी थी, लेकिन मिथुन पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए श्रीदेवी ने बोनी का हाथ थाम लिया और शादी कर ली। दोनों की शादी मंदिर में हुई थी।